राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर वैशाली नगर स्थित कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला में बालिकाओं का उत्साह वर्धन करने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां पार्षद रीता सिंह गेरा विशेष रूप से शामिल हुई, साथ ही निगम भिलाई क्षेत्र के जनप्रतिनिधि यहां पर उपस्थित रहे। एकीकृत बाल विकास परियोजना द्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बालिकाओं में उत्साह भर जागरूक करने के उद्देश्य से वैशाली नगर शासकीय कन्या शाला में एक दिवसीय आयोजन किया गया। शाला के सहयोग से किए गए इस आयोजन में छात्राओं ने रंगोली भाषण व पेंटिंग प्रतियोगिता के माध्यम से अपना अपना जोहर दिखाया। यहाँ पार्षद व MIC मेंबर रीता सिंह गेरा विशेष रूप से शामिल हुए, साथ ही निगम भिलाई के गणमान्य जनप्रतिनिधि यहां पर उपस्थित हुए। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तत्पश्चात छात्राओं ने जागरूकता पूर्वक व उत्साह पूर्वक विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से शामिल पार्षद व MIC मेंबर रीता सिंह गेरा ने अपनी प्रतिक्रिया दी, तो वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा भी आयोजन का उद्देश्य बताया गया। आज मैं यही कहना चाहती हूँ कि बच्चियाँ आगे बढ़े, पढ़े, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान तो चला ही था, लेकिन हमें बेटी में एक आत्मविश्वास जगाना है कि बच्चियाँ पढ़ के आगे बढ़ें और बच्चियों को सही रास्ते पे चलने के लिए मैं बोलूँगी कि बच्चे सही रास्ते पे चलें और भटकें ना, रास्ता ना भटकें। और ये दिवस इसलिए मनाया जाता है कि हम बच्चों को सही रास्ता दिखा सकें, उन्हें बता सकें कि पढ़ाई का क्या महत्व है, शिक्षा किस काम आती है। उन्हें कई ऐसे बच्चे होते हैं कि रास्ता भटक जाती है बालिका छोटी उम्र में, मैं चाहती हूँ बच्चे रास्ता ना भटकें और सही रास्ते पे चलें। मेरी यही एक यह है बालिका दिवस में मैं यही बताना चाहती हूँ, ज़्यादा लंबी बातें ना करके बच्चों को यही समझाना चाहिए कि आपको रास्ता नहीं भटक। सबसे पहले मैं तो सभी बालिकाओं और महिलाओं को राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूँगी। दूसरा मैं किशोरी बालिकाओं से कहना चाहूँगी कि वो अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ध्यान रखें और उससे संबंधित कभी भी कुछ समस्याएं हो तो संबंधित विभाग से संपर्क करें, जागरूक रहें और एक सशक्त नारी बनकर एक सशक्त और स्वस्थ भारत का निर्माण। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बालिकाओं को सशक्त बनाने आयोजित इस कार्यक्रम में छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं अतिथियों का स्वागत सम्मान शाला प्रबंधन के द्वारा किया गया। ग्रेनेसियन न्यूज के लिए प्रवीण मिर्जे के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट।